सबसे पहले हम पेपर को इस तरह फोल्ड करके पेपर की स्टिक बना लेंगे। हमें इस तरह की 20 पेपर स्टिक बनानी है। पेपर स्टिक को इस तरह मोड़कर हम दो पेपर स्टिक को आपस में जोड़कर एक रिंग बना लेंगे। अब एक पेपर स्टिक को काटकर और उसे दूसरी बड़ी पेपर स्टिक में जोड़कर एक रिंग और बना लेंगे। एक रिंग सिंगल पेपर स्टिक का बना लेंगे। और 5 छोटे पेपर रिंग बना लेंगे। अब एक छोटे रिंग में हम एक पेपर स्टिक को स्टेपल करेंगे। उसके ठीक सामने दूसरी पेपर स्टिक को स्टेपल करेंगे और 2 पेपर स्टिक को और उसमें जोड़ देंगे और सभी छोटे रिंग को पेपर स्टिक में स्टेपल कर देंगे। अब इस बेस में हम 4 पेपर स्टिक को स्टेपल करेंगे। अब सबसे छोटे पेपर रिंग को इस तरह पेपर स्टिक से जोड़ेंगे। इस जगह को स्केल से नाप लेंगे और सभी पेपर स्टिक में निशान लगा लेंगे। अब सभी पेपर स्टिक को रिंग से जोड़ देंगे। ठीक पहले की तरह दोबारा फिर 4 इंच पे निशान लगा लेंगे और वहां इससे बड़े वाले पेपर रिंग को स्टेपल करेंगे। स्केल से दोबारा 4 इंच पर निशान लगाएंगे और सबसे बड़े वाले पेपर रिंग को स्टेपल कर देंगे। अब हम एक पेपर स्टिक का रिंग बना लेंगे। 2 पेपर स्टिक को बीच से काटकर 4 टुकड़े बना लेंगे और इन्हें हमारे बेस की पेपर स्टिक में जोड़ देंगे। इस पेपर स्टिक को इस तरह अंदर की तरफ मोड़ेंगे और स्टेपल कर देंगे। चारों पेपर स्टिक को हम इनमें जोड़ देंगे और स्टेपल कर देंगे। अब हम पेपर रिंग को इन स्टिक में स्टेपल कर देंगे।
इस तरह हमारे क्रिसमस ट्री का बेस तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो बिना बेस का क्रिसमस ट्री भी बना सकते हैं। अब हम हमारे क्रिसमस ट्री के स्केलेटन को न्यूज़पेपर से कवर करेंगे। कवर करने के लिए हम फेविकॉल या ग्लू काम में लेंगे। मैंने आटे को पानी में घोलकर और फिर उसे गर्म करके लेई बना ली है। न्यूज़पेपर के छोटे टुकड़े काटेंगे और फिर उन्हें ग्लू या फेविकॉल लगाकर चिपका देंगे। अब हम हमारे क्रिसमस ट्री को ग्रीन कलर के काइट पेपर से कवर कर देंगे। पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काटकर हम उन्हें चिपका देंगे। फ्रेंड्स, हमारा क्रिसमस ट्री पूरा कवर हो चुका है। इसे डेकोरेट करने के लिए हम ग्रीन कलर पेपर की शीट लेंगे। इसमें 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसकी पट्टियां काट लेंगे। इन पट्टियों को हम इस तरह छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट लेंगे। इन टुकड़ों में इस तरह से हम कैंची से थोड़ी थोड़ी दूरी पर कट लगाएंगे। अब न्यूज़पेपर के एक छोटे टुकड़े में इन्हें रखकर पेंसिल या किसी गोल चीज से इस तरह मोड़कर थोड़ा दबाएंगे। इस तरह डेकोरेट करने के लिए ये पेपर के फ्लावर बन गए हैं। इन्हें फेविकॉल या ग्लू से हम हमारे क्रिसमस ट्री पर चिपका देंगे। हमारा क्रिसमस ट्री पूरा कवर हो चुका है। अब हम हमारे क्रिसमस ट्री के बेस में एक पिंक कागज की पट्टी काटकर चिपका देंगे। फ्रेंड, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए हम इस पे थर्माकोल की बॉल्स को फेविकॉल से चिपका देंगे। फ्रेंड्स, अब पेपर का एक कोन बनाकर उस पर भी इसी तरह पेपर के फ्लावर चिपकाकर और थर्माकोल की बॉल चिपकाकर उस कोन नुमा छोटे क्रिसमस ट्री को हम इस क्रिसमस ट्री पर पहना देंगे और हमारा क्रिसमस ट्री तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको क्रिसमस ट्री कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और व्हाट्सएप और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें।